सुसरी बगरि पास करिले हेडमास्टरे एरि दिया नाइ छात्रक तिनिबारर बाबे देखर गादी दखल करिले एतियाव नरेन्द्र मोदीक एरि दिया नाइ आर एस एस प्रधान मोहन भागवते मोदीर आचरणत क्षुण्ण आर एस एस प्रधान एबार मोदीक आचरणर पाठ दिले मोहन भागवते सोमवारे आर एस एसर मुरब्बी मोहन भागवते कय जे एजन प्रकृत सेवक अहंकारी नहय आरु मर्यादा बजाय राखि जनसाधारणर सेवा करे आर एस एसर मुरब्बी तथा बिजेपिर मतादर्शगत गुरुर एई कथाय लाभ करिछे जथेष्ट तात्पर्य कियनो दलटोए आग्राखी निर्वाचनी प्रचार चलवार पिछतो एन डी एर अभिलाषी चारिश पारर सपन बहुत दूरते रल आनकि दलटोए लाभ नकरिले 272 आसनर संख्यागरिष्ठताओ 543 लोकसभा आसनर भितरत 240 आसनतहे जयी हल भारतीय जनता पार्टी केन्द्रत मित्रजोटर सरकार गठन करिबलै बिजेपिये निर्भर करिबलगिया हल टिडिपिर एन चंद्रबाबू नायडु आरु जेडियुर नीतीश कुमारर ऊपरत इयार माजते मोदीक शिक्षा दिले आर एस एसर मुरब्बीगराकिये विरोधी आरु बिजेपिर तिक्त निर्वाचनी प्रचार सम्पर्केও कले मोहन ভাগৱতে নির্বাচনী প্রচারত কিদরে আর এস এসক টানি অনা হল সেয়াও উল্লেখ করলে মোহন ভাগবতে মোহন ভাগবতে কয় যে প্রচারের সময়ত ইজনে সিজনক গালি গালাজ করা প্রযুক্তির অপব্যবহার আর ভুয়া বাতরি প্রচার করা সঠিক নহয় তেও কয় যে তেওঁলোক প্রতিদ্বন্দ্বীহে শত্রু নহয় ইয়ার লগতে মোহন ভাগবতে নির্বাচনী বাক্যবনক অতিক্রম করে মণিপুরের সংঘাত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মন্তব্য করে মোহন ভাগবতর এই মন্তব্যর পাছত এতিয়া সৃষ্টি হয়েছে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার মোহন ভাগবতর এই মন্তব্যক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেস নেতা পবন খেরাই বেলেগ গছত আম লগার আশা করেছে নাকি আর যদি আম নালাগে তেতিয়া আপনি মাটিক দুঃখ দিব নাকি মোহন ভাগবত এতিয়া প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকা নাই নরেন্দ্র মোদীয়ে আপনার কথাত আর গুরুত্ব নিদিয়ে মোহন ভাগবতজি কাল আপকা ভাষণ শোনা আপকা বক্তব্য শোনা पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पर आपकी व्याख्या सुनी राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी एक बात बताइए जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे ये बीज आप ही ने लगाए हैं जो आज बबूल का एक वृक्ष है वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है ये आप ही ने लगाया था अब बोलकर क्या फायदा जब हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है हत्या हो जाती है तब आप चुप रहते हैं जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है तब आप चुप रहते हैं जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है तब आप चुप रहते हैं जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती तब आप चुप रहते हैं जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है आप कुछ नहीं बोलते आप चुप रहते हैं जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है डाला जाता है आप तब भी चुप रहते हैं अब बोलकर क्या फायदा अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी ने अब इस समाज को इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे आप तब भी चुप रहे आप नहीं बोले अब इस संविधान को इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है ये अपने आप को अपनी रक्षा करना अपने आप को रीबूट करना जानता है समझता है ये ताकत उसको संविधान ने दी आप बोलते हैं हम सुन लेते हैं आप बोलिए हम सुन लेंगे अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं न पहले ली थी न अब लेंगे आपको बोलना आपका स्वागत है आप बोलते रहिए लेकिन मैं फिर दोहराता हूं इस समाज को आपकी आवश्यकता आप नहीं रही आप अप्रासंगिक हो चुके